इंदिरा आवास में कोई पैसा मांगे वह हमको सूचना दे दीजिएगा, वह हम पैसा नहीं लेने देंगे। और जब तक हम मुखिया रहेंगे 30,000 रुपया हम पंचायत में नहीं चलने देंगे, और हमारा ही कोई दलाल बसा देगा उसको मारेंगे और जेल जाने के भी हम तैयारी। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। हमारे साथ सीही पंचायत की मुखिया आशा देवी जी मौजूद हैं। पहला सवाल मैम ये है कि आप 10 साल मुखिया पद पर रही, जनता आपको सिंघम के रूप में भी देखती है, दिन या रात कभी भी आपको आवाज़ लगाती है तो उनके लिए आप खड़ी रहती हैं, तो क्या क्या आपने सरकारी योजना का लाभ दिया अभी तक अपने पंचायत में? हमारी पहले तो चापाकल का था, हर जगन कल दिए और हर जगन टोली में कल दिए, और अब जो 5 साल के पहले सारा चीज़ किए, राशन करासन के लिए लड़ाई लड़ते रहे और गरीबों के लिए मांगते रहे और मिला तो सारमुख किए, और अब 5 साल की बाद अब हुआ नल जल योजना। यह सरकार 5 गो आज ओवाट की दिए कि ओवाट को भी एथी होना चाहिए, तो हमने तो 13 वार्ड है, 13 वार्ड को चेक काट के दिवा दिए, और नल जल का हमारी कहूँ पर देखिए नल जल चल रहा है, नल जल एथी हो रहा है, नली गली बना है, ढलैया हुआ है, और हमारी जो योजना है वो सब जनता को बीच में कर दिए हैं, जनता से जाकर पूछ सकते हैं कि क्या आशा देवी किए। और आज राशन करासन के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं कि गरीबों की राशन करासन का दीजिए, अब ये थी जो राशन की कार्ड सरकार ये कर दिए कि जिसका राशन का कार्ड नहीं रहेगा उसका इंदिरावास नहीं मिलेगा, तो बहुत गरीबों के पास में राशन कार्ड नहीं है, एक घर में 5 गो बेटा है और एक एक कार्ड पर 5ों का नाम है, तो अब आएगा इंदिरावास तो एक एक को नाम से आएगा, तो हम लोग चाह रहे हैं कि 5ों के अलग अलग राशन कार्ड बनता कि राशन कार्ड पर 5ों के इंदिरावास आवे, काहे कि 5 बेटा है और 4 गो रूम है उसी में सजम कर रहा है, तो यही हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि और कुछ मिले कि हम अबड़ी बार में मुखिया बने कि आओ कुछ कर हम दिखाएं। अच्छा जी, ये बताइए कि अभी तक आप अपने पंचायत में कितने लोगों को इंदिरा आवास दिया? अब हम अभी तक कम से कम 300-400 से कम दिए होंगे, 400 दिए होंगे हरी इंदिरा आवास। अब ये है, यही लड़ाई है कि जो अब एक घर में 5 गो बेटा है और 1 गो रूम है और उसमें अब वो कराए कि हमको दीजिए, तो अब सरकार तो ऐसा बना दिया कि राशन कार्ड जिसका रहेगा उसी का इंदिरा बस मिलेगा, आधार कार्ड रहेगा उसी का कुछ काम होगा। और ये जो वृद्धा पेंशन में पहले हमने वृद्धा पेंशन मिलता है था तो हम ग्राम सेवक को रख कर और 10-10 लाख रुपया 2-3 दिन में बांटवा देते थे, और वह इंदिरा थी वृद्धा पेंशन में 5 पैसा किसी को नहीं लेने देते थे, अपना हम कहते थे कि नाश्ता पानी हम देंगे और उसको पैसा, अब तो करवा दिए हैं बैंक खाता में, बहुत आदमी को खाता से पैसा नहीं आ रहा है, वो बेचारे बेचैन हो रहा है कि मुखिया जी हमको वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे बूढ़ा है उसको वृद्धा पेंशन बंद हो रहा है नहीं आ रहा है। अब कल भी हमारे पास एक आ रहा था कि आधार कार्ड में मैंने कि हमको 55 बरस उम्र है और उसका वृद्धा पेंशन बना हुआ था पहले से, अब उसका पैसा आना बंद हो गया। यह सरकार का नीति का है जो हम नहीं तो बता नहीं सकते हैं कि नीति का है, अब उसका वृद्धा पेंशन बना हुआ था बूढ़ा बूढ़ी का दोनों का बंद हो गया, अब वो हमारे पास है तो हमारे तो कोई हक अधिकार नहीं दिए हुए सरकार के हम उसको कुछ कर सकते हैं। मैम एक सवाल और है, अगर शिक्षा की बात करें जो प्राथमिक स्कूल होता है ग्राम में, ज़्यादातर टीचर जो होते हैं लेट से आते हैं और आते भी हैं तो खिचड़ी और चोखा में लपटे रहते हैं, पढ़ाना लिखाना बहुत कम होता है, तो इसको कैसे आप देखेंगे? ये जो खिचड़िया स्कूल बना दिया सरकार,
तो यह लड़कन को भीख मंगा बना दिया। उठता है और स्कूल में बंद रहता है स्कूल, सर जो मास्टर हैं 8, 10 बजे, 11 बजे आते हैं, सभी लड़का हेल जाता है। और जब खिचड़िया का तसला चढ़ जाती है तो वह लड़कन असरा देखता है कि कखनी हमको खिचड़ी कटोरा में मिले और खाएं हम लेके जाएं। तो यह से हमको बहुत नफरत है कि आज सरकार गरीबों के लड़कन को स्लेट पिलसिन कलम कॉपी देते तो इससे आगे बढ़ता, मगर यह खिचड़िया से आगे नहीं बढ़ेगा, ये गरीबों की लड़का भीखमंगे की तरह रह जाएगा। मैम एक आखिरी और लास्ट सवाल है मेरा, कई पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं आती हैं, एनएम नहीं आती हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब उस पर जो डॉक्टर नहीं आ रहा है तो हम तो भाकपा माले के नेता हैं, मेरे नाम श्रीमती आशा देवी और चौरसिया जात के यहाँ 4 घर हम चौरसिया हैं और यहाँ बाबू लोग का ज़्यादा है, तो हम हल्ला किए गरीब के लिए कि यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहा है, यति नहीं हो रहा है तो इसका परेथी हो। अब हल्ला करते माले वाला तो जानते हैं कि हर चीज़ का समस्या को हल्ला करता है और हल्ला कल्ला पर एक दिन आते हैं फिर वही होता है। तो अब यही तो है सरकार का नीति कि डॉक्टर का अस्पताल खोलवा दिया और दवाई भी लोग बंद किया। एक लास्ट सवाल मेरा ये है, किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? अब किसानों के लिए हम रोड पर उतरते हैं और उतर कर किसानों के लिए हक अधिकार के लिए हम मांगते हैं कि या किसानों का जो मनी बटैया कर रहे हैं उनका भी एथी पैसा आना, खाद का बीज का पैसा आना चाहिए, मगर यह सरकार कहते हैं कि नहीं जो खेत है उसी के आएगा। तो हम तो कहते हैं कि ज़्यादा काम करते हैं कौन, मजदूर किसान जो मनी बटैया करते हैं वो उपजाते हैं, मेहनत करते हैं और उनको कुछ नहीं लाभ मिलता है, उनको लिए हम लड़ते रहते हैं कि उनको लाभ मिलना चाहिए। हम खेत वाले के नहीं, वो तो गोर धोकर पटना में रहते हैं चाहे कलकत्ता में रहते हैं, मगर जो मनी बटैया करती है उसका कुछ लाभ नहीं मिलता है। इसका लाभ के लिए हम लोग सब दिन लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। अब की बार आपको मौका मिला तो अब क्या करेंगे पंचायत के? अभी बार मौका मिला तो जनता के बीच में हम आवाज़ बुलंद करेंगे कि हमारी गरीब गुरबा को राशन मिले, इंदिरा आवास मिले, बूढ़ा बूढ़ी को भिरसिन मिले, ये करने के करेंगे। और नली गली के लिए भी हम लड़ेंगे और जो यह नल कूप में जो काम है या तो लाइन रहेगा तो हमारी जनता पानी पी सकता है और नहीं रहेगा तो हमारी जनता पानी नहीं पिएगा। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि वो पंचायत में 13 वार्ड है वह में कम से कम 5-5 चापाकल दे, हम यही मांग करें। और एक बात हम कर रहे हैं, हमारी पंचायत में कहूँ भी जाकर पूछ लीजिएगा, जब हम ग्राम सभा करते हैं तो हम आवाज़ देते हैं कि यह इंदिरा आवास में कोई पैसा मांगे वह हमको सूचना दे दीजिएगा, वह हम पैसा नहीं लेने देंगे। और जब तक हम मुखिया रहेंगे 30,000 रुपया हम पंचायत में नहीं चलने देंगे और हमारा ही कोई दलाल बसा देगा उसको मारेंगे और जेल जाने के भी हम तैयारी हैं। कैमरामैन कुंदन किशोर के साथ युवराज की रिपोर्ट।